खातूरे जन्नत दी इदा दियां रोटियां तुसीं भी खाओ मेरियां तियां मेरियां पैणा बच्चियां बीबियां माइयां अपने बच्चों टेलीविजन से बह के रोटी ना खवाया कर एक गंदगी है इन घर च गंद बाहर कढ़ो जिथे बह के माद अल्लाह टेलीविजन ते इंटरनेट वेखना है लानत भेजो इत्थे सामने रखो कुरान गोद च लो पुत्र कुरान पढ़ो पुत्र दुध पीवे तेरे दुध ते कतरे कतरे विच कुरान शरीफ असर करके ते दिल नूं पाक कर छड़े मैं हुण ओपरी गल्लां कीती जांदा जी अल्लाह का शुक्र है मैनू कोई मेरे गल नहीं पै गया अज दियां मावां तो दुध पिलाउंदियां नहीं तू की आने रोल रौला भाई पिलाउंदियां ने ये बेचारे वेले ना जमण के होर की जमा इन्हां तो तवक्को की है आले रसूल पाक का प्यार किनू आते हैं सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत का की तकाजा है दश्ते करबो बला दे मुसाफरीन का हौसला ते आदम ते सबर किवें ये मसला इन्हां नूं समझ आउण वाला नहीं ये उन्हां नूं समझ आउंदा है इन्हां दी जिंदगी दा लम्हा लम्हा रसूलुल्लाह दी गुलामी विच गुजरदा हज़रात गिरामी कादर नबी रहमत अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने हुजूर जलवागर ने बुआ खुलिया रियाज़ुल जन्नत वाले अली शेरे खुदा दे दरवाजे का बुआ खुलिया दोवें शाहजादे रियाज़ुल जन्नत विच दाखिल हो गए ते दोनों शाहजादे पाकां दे दरमियान एक साल तो घट का फासला है ते दुनिया विच कदे भी दो सके भरावां की उम्र विच इन्ना क्लोजिंग नहीं होती एक साल तो भी घट दोवें शाहजादे इमाम हसन बड़े ने इमाम हसन उम्र विच उन्हां तो छोटे ने ते फासला साल तो भी जरा यानी 50 दिन की उम्र शरीफ जी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला दी 50 दिन जदों इमाम हुसैन पाक की अमानत सैयदा नूं सौंपी गई समझियो इशारा बस इस तो ज्यादा होर मैं कुछ नहीं कह सकता दुनिया एक कायनात यहो जहा कोई हवाला नहीं जिहड़ा हवाला इसे मेरे दोस्तों दोनों की उम्र शरीफ जी इन्ना ही फर्क है दाखिल होए रियाज़ुल जन्नत विच साहबजादे कंबदे ने कमजोरी बस बनी जी ते हुजूर पढ़ रहे ने खुतबा खुतबा ते खुतबा मिंबर शरीफ ते हुंदा है इधर सरकार दा घर विच रियाज़ुल जन्नत ते ओदी नुक्कर ते मिंबर शरीफ जिवें ही ना ना कदी ये भी सोचा तुसी उलमा नूं नहीं ना पुछदा तुहाडे नाल ये मिंबर नुक्कर ते जो रखे है ये हजूर के दरवाजे से हो गया उठे क्यों अल्लाह दिया बंदे इतराज है नबी पाक ने सवाल में फरमाया मां बई ना बैठी व मिंबरी रौदा तुम मिल रियादिल जन्ना जे ये मिंबर पाक घर के नाल ही तो घर का घर रह गया तो फासला तो कोई ना होया ना आपने फरमाया मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक मां बहन बैठे वाल मिंबर है नहीं ये इजाफत क्यों आई है मां बहन मिंबर मां बहन बैठी वा मिंबर ही मां बहन बैठे वाल मिंबर है नहीं मां बहन बैठा मिंबर ही मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक रुकी ये फरमा रौदा तुम मिल रियाद जन्ना ये जन्नत की क्यारी एक तरफ रौज़े का नूर एक सिमत मिंबर की बहार आला हज़रत इमाम अली सुन्नत फरमाते ने एक तरफ रौज़े का ये रौदा पाक हुज़ूर दा घर है जी एक तरफ रौज़े का नूर एक सिमत मिंबर की बहार और बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह और बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह
बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। एक ही है जन्नत दी, जन्नत का जुग्राफिया की है, मान्यता लेंदी होते जुग्राफिया कदे पढ़े ने, ये पढ़े होते नजदियां दा सिर ठोको लित्रा दे नाल। बहुत उची है अल्लाह फरमांदा इंदा सिदरातिल मुंतहा इंतहा जन्नतुल मावा। जन्नत किथे है? सिदरातुल मुंतहा दे नेड़े। इंतहा जन्नतुल इंदा सिदरातिल मुंतहा इंतहा जन्नतुल नह जन्नत सिदरा दे नाल जन्नत ते सिदरा सत्ता आसमाना तो उत्ते ते सत्ता आसमाना तक मदीने पाक दी जमीन तो लैके सतवें आसमान दी उतली सिदा तक 7000 साल का पेंडा है। 7000 साल का सफर है घोड़े का कि ऊठ का कि बिजली का। तेरी बिजली च भी एड्डी ताकत कोई नहीं जिन्ना फासला है। 7000 साल का फासला है फर्श तो लैके असतवी आसमान तक। 7 आसमाना तो उत्ते सिरा और नेक्स्ट टू सिदरा शे उड़ा ते सिदरा दे नेड़े जन्नत। 7000 तो ज्यादा हजारा साल के फासले से वाके जन्नत। मेरे आका फरमाते रियाज मरौदत रियाज जन्नत है जन्नत मेरी है जन्नत मेरे घर को लैके मेरे मिंबर तक आ जन्नत। जेडे एडी दूरों जन्नत खिंच के गुलामां नूं दे सकदे ने पागल दिया बचिया वो नबी की कुछ नहीं दे सकता प्यारा मुसलमान। जे को रात हलाल भी है तो फिर उत्थे रियादुल जन्नत में नमाज पढ़ के फिर कदे ना पौके। नबी दे कुछ नहीं सकता, नबी देता है। हजारों साल के डिस्टेंस पर वाके जन्नत को खींच कर मुस्तफा ने कदमों में जगह दी। और फिर हुजूर होर कमाल वो तो जन्नत है, वो तो मदीना शरीफ है। ये मदीने पाक पहुंचे किस्मत वाला जरा नजदिया के धक्के तो बच जाए, नहीं तो मेरी ठिले उतने भी जान नहीं देता। नहीं नमाज पढ़ जायो नबी की कबर वेख नहीं जाओ तुम ना ही जमते तो सानू कि फर्क पैना सी। चलो अल्लाह की बेर आज उन्हें मखलूको दी उन्हें पैदा कर छी एक गल तो दूर है जे गली च चोर ना फिरे तो घर वाला सुजाग नहीं वो कहाँ सुजाग मैं पता भी कुत्ता फिरता है वाडू कुत्ता जागदा है। ते जे ए नाना कमीने होंदे ते सुतियां सुतियां सुनियां ने जागना नहीं सी शुक्र है जाग देता बैठे नहीं। हां जी नबी कुछ नहीं देता, रियादुल जन्नत किसने दी है? कुरान शरीफ कोई आयत पढ़ो मौला करीम नबी पाक फरमाते हैं जन्नत का टुकड़ा है। फरमाया बकवास नहीं कर रहे मैं आता कुमर रसूल फखदू हो मेरा रसूल जो तुहानू देने लै लो ठीक पिया फरमाता है। रियादुल जन्नह रियादुल जन्नह एडा दूर जन्नत अपड़ गया ही थे। मेरे आका फरमा मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक ये मेरा मेरा जिहड़ा ना निस्बत ये भी राह दे जनाब जे फरमा दे कि घर तो लैके मिंबर तक ते गल तां भी बन जानी सी क्योंकि अहलल बैत ते बैत गल इक्को ही है कोई गल तां भी बन रही थी पर हो सकता किसी अन्ने मूरे नूं ना ही पता लगता ते सानिया इजाफत करके आख्या मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक ये सन विचारे रौदा तुम मिल रहा जन्ना ये जन्नत का टुकड़ा है। उलमा मेरे तो ज्यादा जानते नहीं फकीर ने वफा वफा शरीफ में एक होर रवायत भी पढ़ी वो ये है कि नबी पाक ने सलाम मस्जिद इमामा शरीफ में खड़े मस्जिद इमामा शरीफ ये सरकार के दौरे मुबारक की ईदगाह है उत्थे खड़े ने उत्थे खड़ो के सरकार ने फरमाया मां बैना बैती
ਮਸਜਿਦੀ ਹਾਦੇ ਹੀ ਰੌਦਾ ਤੁਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਜੰਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਐਸ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾਏ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸਕੋ ਚਾਹੇ ਦੇ ਡਾਲੇ मालिक है खजानाए कुदरत के मालिक है खजानाए कुदरत के मालिक है खजानाए कुदरत के जिसको चाहे दे डाले दी खुल्द जनाब रबिया को बिगड़ी लाखों की बनाई है शहजादे बस ये हदीशी हो रही याद रियाद और जन्नत विचो हो के ना सरकार वाल पे जाने ते हुजूर खुतबा फरमा ईमान ना दसो जुमे दा खुतबा अहम है या नहीं मेरे वर्गा फकीर खुतबा पढ़े ते ता हुक्मे भी खबरदार गल्ला नहीं करनी है सज्जे खबे नहीं वेखना ते जदों इमाम उलंबिया आए वाल मुरसरीन खुतबा पढ़ रहे ने तू दसो खुतबा किड्डा होगा ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਅਜੀਬ ਖੁਤਬਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਬੰਦੀ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਪੜਨਾ ਅਨਾ ਖਤੀਬ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਸਰ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਖੁਤਬਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਤਾਰਾ ਕਰ ਖੁਤਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ खुतबा छड़िया मिंबर शरीफ तो उतर आए उतर के अगे बढ़े दोनों शहजादियां ने चुक के मिंबर ते चले गए एक नु इधर बिठा लिया एक नु इधर बिठा फटकार ओदे मुंह ते बकवास करदा नबी पाक मादला इमाम हुसैन कुर्सी लभदे जदों चगड़ा इधर ता वेख बैठा किथे इमाम हुसैन किथे बैठा मेरे सरकार ने चुकिया ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਪੜੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਉਤਰੇ ਪਕੜਿਆ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਬੈਠੇ ਨੀ ਖੁਤਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਪਾਕ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਉਤਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਪ ਉਤਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਏਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਤਾਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲਓ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬੋਸਾ ਦਮ ਪਰ ਆਸਤਾਨੇ
कामिले की मिया पैदा को नज मुश्किले अल्लाह वालियां दे आस्ताने नूं चुम लै मिट्टी सोना बन जाएगी ते मेरे आका ने हुसैन पाक नूं ते हसन पाक नूं चुमै इन्हां नूं की बनाया है काम बख्ता तेन अज तक समझ नहीं आई वो भी लोग गुजरम ने मर गए हुए लुटे गए हुए हाए हुए किधर जाइए कमली दिया अहले बैत नूं इंज बयान ना कर ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀ ਸਹੀ ਨਾ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਾਓ ਬਈ ਖੁਤਬਾ ਫਕੀਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੁੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਖੜੇੜ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਖੁਤਬੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਬਜ਼ਾਹਰ ਖੁਤਬਾ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਤਬਾ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਾਰ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਦਾਏ ਦੀਦ ਸਰਾਪਾ ਨਿਆਜ਼ ਥੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਦਾਏ ਦੀਦ ਸਰਾਪਾ ਨਿਆਜ਼ ਥੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਥੀ ਤੇਰੀ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਥੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮ
इन्नी उहिब्बुहुमा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। मौला मैं इन दोनों बच्चियां नाल मोहब्बत करना। पता चलिया हसनैन करीमैन की मोहब्बत का दावा करना सुन्नते रसूल सुन्नते नबी रहमत अली जी हुजूर की सुन्नत है कि मैं आले रसूल नाल मोहब्बत करना इमाम हसन हुसैन नाल मोहब्बत करना यह हुजूर दी इन्नी उहिब्बुहुमा मैं दोनों नाल प्यार करना। जरा तुम भी आख दें कभी जुम नमाज पढ़ते हो दस जद याद आए मेरे दो बच्चे ने मैं इन्होंने मोहब्बत करना पर ना लेंदे हो पुत्रों का यो ही कहते याद आ सदका तेरे महबूब का यो ही कहते याद आ सदका आले रसूल का हाजी सदका आले रसूल मालूम होया साड़िया तेरिया औलादा होर ने रसूलना की आल औलाद हो रतबा हो रहे क्योंकि उन्होंने मनसूब इला बहुत उची जात है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु उहिब्बु मुदारे दा सीगा अहबबतुहुमा नहीं मैं दोनों नाल प्यार कीता यानी एक बार कीता मुक गई गल ना उहिब्बु ये मुदारे है और मुदारे विच तजद्दुद इस्तिमरार हुंदा है यानी मौला मैं शहजादियां नाल नित प्यार करना है भावे बच्चे ने भावा ये पैरी टुर लग पैन भावा ये जवानी चढ़न भावे भरपूर जवानी होवे भावा घर होने भावे दशरे करबो बलाज हो जिथे मेरा शहजादा मैनू सोहना लगता है और कसम बखुदा जिहड़ा आले रसूल अलैहि सलातो सलाम यजीद के मुकाबले च सही नहीं मानता वह हजूर अलैहि सलातो सलाम का मुकद्दम है हजूर अलैहि सलाम का गुस्ताख और बेदीन है उसके पल्ले ईमान कोई नहीं मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो करबला की इमाम हुसैन हुजूर के महबूब है मैं दोनों से इतने नहीं रोकया जी फ़अहिब्बहुमा यार मैं तो दोनों नाल प्यार करना तू भी कर मेरे आदमी भी नहीं आख्या सोने मैं तो आद उलाद तो भागना उलाद तो देगी दो तेरे तो सुने तेरे बच्ची शहजादी तेरी शहजादियां तेरिया बच्चे तेरे तो तू तो प्यार करना है मेरे तो बंदे हैं ना ते मैं बंदे बंदियां नाल प्यार ते तू ये अर्ज करना मौला ये मैनू प्यारे ने मेरे मुझे दो तेरी हुए तू भी प्यार इतने को मसला लभद है मैनू लभ गया अल्लाह से वो रसूल पाक का मुआहदा हो चुके है सोने इशारा की तेन जरा तेन चंगा लगता वो ही मेरा प्यार है इशारा मुआहदा नहीं होगी ये हवाला क्यों दिता रेफरेंस क्यों दिता है ये क्यों ये तू कह सकना या अल्लाह मैं मेरा बच्चा सोहना लगता है सदका इस बच्चे का मैं बख्श दे कहेगा नहीं कहेगा तो मेरे आका ना हुसैन आपकी मोहब्बत का जिक्र मैं कर देने इन्नी उहिब्बुहुमा या अल्लाह दीदी बख्शता तो नहीं ना फअहिब्बुहुमा मैं भी प्यार करता हूं फअहिब्बा ए फा जेड़ी है ना माल वसल है ए फौरी तौर पे दस दिए उधरों हुजूर ने मोहब्बत का फतवा दिता उधरों रब ने प्यार किया मालूम है हसनैन करीमैन खुदा दे भी प्यारे गल इतने नहीं मुकी फुर स्टाप नहीं आया हाले साई अगे तो रहा है वह घर की गल करे नहीं रखी अगे की अर्ज कर कयामत तक जेड़े मुसलमान मेरे बच्चे नाल प्यार कर तू और नाल भी प्यार कर मेरी बख्शिश की दुआ नहीं मोहब्बत की दुआ आले रसूल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम का खानदान कायनात का हुस्न कायनात की इज्जत कायनात का वकार कायनात वास्ते वजह निजात जेड़ा मुहब्बत अकीदत और प्यार नाल जिक्र खैर करे रब ताला निरा बख्शदा नहीं उहदे नाल मुहब्बत नहीं करना। एक इशारा जरूरी है कि रह न जाए गैर हाजी वो तर्जमा रही फिर कि जलसा करा लो फिर तू जरूरी जरूर इदा तुम किबू आना मेरे मेरे वादा करो फिर सब तुम ना बई
यामी साहब तेरे माशाला शाह साहब हजरत साहब को रमा बैठे ये मैं प्यार नहीं गल की है वो हाले मैं अरबी वाला तर्जमा फेंका ना मैं तो होर दस लगा दुनिया कहती है कल पूरे पाकिस्तान में जोड़ा एक तूफान बदतमीजी कायम है पना बखुदा अजी हाल पुकार अग ते जनाबे वाली छुरियां ते चाकू अल्लाह माफ करे अब करबला विच ते यजीदियां ने चाकू छुरियां चलाईयां सी तुहानू की बनिया तुहानू की बनिया तुसी ये माहौल क्यों खड़ा कर दिता ये प्यार है जी आले रसूल दा बकवास है प्यार नहीं क्यों इमाम हुसैन पाक नाल जिहनू प्यार है ईमान नाल दस उहनां दे बजुर्गां नाल प्यार कर सी कि नहीं कर सी जरा तुहाडे नाल प्यार करदा है तुहाडे बाबा जी नाल प्यार करेगा या नहीं दादा जान नाल नाना जान नाल करेगा कि नहीं सुन इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला फरमाते ने वलादनी अबू बकर मरतैन अबू बकर सिद्दीक मेरे दोहरे नामे ने अबू बकर सिद्दीक मेरे दोहरे नामे ने आले रसूल नाल प्यार दा दावा ते सिद्दीक अकबर नाल माज़ल्ला बदबख्ती ते बेवफाई जेड़ा सिद्दीक अकबर की शान च फर्क पावे खुदा की कसम आले रसूल दा दुश्मन ये सुनिया नूं अल्लाह ने कर्म किया है जिन्हों निस्बत हो जाए सरकार नाल साढ़े सिर सरकार खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया الرسول على قدر المرسل میں ہن اینو اپنے لفظاں تعبیر کراں کچھ آکھیا بھی نہیں تے کچھ چھڈیا بھی نہیں سبحان اللہ کچھ آکھیا بھی نہیں تے کچھ چھڈیا بھی نہیں آکھیا اس بات تے بھی کوئی لمبا چوڑا واعظ نہیں کیتا کوئی 5 7 10 20 40 ورکے نہ چار لفظ تے چھڑیا بھی کوئی نہیں ساریاں اسلام دیا خوبیاں تے میرے آقا دے حسن دے کمال آدمی کیا ہی بیان کرتا ہے فرمایا سوڑا ہے بے وقوفا تو آنو کی پتا میرے آقا دا کی مقام ہے ایتھے اینی جی ایس مسئلہ جو میں نے کہنا بھئی ہوں تو حدود ہی شان بیان کرنا اما انی افصل فلا میں تفصیلا بیان نہیں کر سکتا ٹائم تھوڑا ہے دنیا دی عمر تھوڑی ہے سرکار دی شان بہت ہی دنیا کی عمر تھوڑی ہے حضور کی شان بہت ہی ہے تے پھر تو کہنا حضور کی شان میں او کہدا بابا فاج میں تو تفصیل نار میں کو اجمالی ذکر تا سنا معلوم ہوندا ہے کہ دل پھڑیا کھڑا ہے کہ حضور دا ذکر سنا تا صحیح او کیڑا اس نے جے نے اربا نو ایڈا اونچیا کر چھڈیا ہے او کیڑا اس نے سرکار خالد بن ولید نے فرمایا الرسول على قدر المرسل رسول نو ویکھن تو پہلا بھیجن والے نو ویکھ لے رسول نو ویکھن تو پہلو بھیجن بھیجن والا کون ہے ہو اللہ دی ارسلا بھیجن والا اللہ ہے تے جے اللہ نال کوئی نہیں رلدا تے جے نو اونے اپنا رسول فرما رلدا او دے نال بھی کوئی نہیں اے دے وچ حقائق دے سمندر موجودان نے کوئی عالم ربانی بیان کرے اللہ تعالی سانو حبیب پاک دے صدقے سچ حق تے قائم رکھے جناب حضرت جمال الاولیاء جو جمال الفقہا مولانا مفتی محمد اجمل صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے آستانہ فیض یہ مدرسہ اور سارے سنی مدارس اللہ کرے آباد رہیں اور حضور دیاں عظمتاں دے چرچے ہوندے رہیں اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ